हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लॉगिन डॉट जावा जो पार्ट है उसका कम्प्लीटली कोड क्रिएट किए थे। इस वीडियो में हम फ्रंट एंड पार्ट को क्रिएट करने वाले एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एक्सएमएल को। तो मैं सभी टैब को क्लोज कर देता हूँ एंड एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एक्सएमएल में आ जाता हूँ। एंड ये जो स्प्लिट का बटन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसकी जगह आपको रिप्लेस करना होगा लीनियर लेआउट की जगह। एंड इसके बाद आपको विड्थ एंड हाइट डिफाइन करनी होगी मैच पेरेंट। एंड बैकग्राउंड आपको सेम सिलेक्ट करना होगा जो कि हमने सिलेक्ट किए थे एक्टिविटी लॉगिन डॉट एग्जामिन में। तो मैं इस बैकग्राउंड को कॉपी कर देता हूँ, तो मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ इसको एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड ये जो लीनियर लेआउट है इसकी ओरिएंटेशन भी आपको डिफाइन करनी होगी। तो ओरिएंटेशन हम डिफाइन कर देंगे वर्टिकल, क्योंकि जो भी हमारे पार्ट्स रहेंगे वो सभी वर्टिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो रजिस्टर के नीचे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे हम ले लेंगे रिलेटिव लेआउट, इसको एंटर कर देंगे। इसकी विड्थ रहेंगी हमारी मैच पेरेंट एंड हाइट यहाँ से रहेंगे एक्शन बार साइज। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइज दे देता हूँ, क्वेश्चन मार्क एक्शन बार साइज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्शन बार साइज का रिलेटिव लेआउट का आ चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑन क्लिक में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। साइन अप, ओके। तो यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक तो इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो इसको हम रिलेटिव लेआउट को क्लोज कर देंगे सबसे पहले एंड इसके बाद हम यूज करेंगे इमेज व्यू। इमेज व्यू में हम विड्थ एंड हाइट दे देंगे 32 dp 32 dp। एंड आईडी भी हम डिफाइन कर देंगे इमेज व्यू की, आईडी @id बैक। एंड इसके बाद आपको सेंटर वर्टिकल यूज करना होगा। तो सेंटर वर्टिकल आपको ट्रू सिलेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज व्यू अभी शो हो रही होगी, सेंटर वर्टिकल ट्रू। आपको लेआउट मार्जिन स्टार्ट भी देनी होगी जो कि इसका डिफरेंस रहेगा इमेज व्यू कितने डिफरेंस में चाहिए। तो लेआउट मार्जिन स्टार्ट आपको दे देनी है 12 dp। तो आप देख सकते हो 12 dp का डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है। अगेन आपको एंटर करना है, यहाँ से आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, जो भी हमारी इमेज रहेगी वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस बैकग्राउंड को प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड ड्रॉबल में इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड ओके बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड इसका नेम सेम आईसी बैक iOS हमने लिख दिया है, ओके। एंड @ ड्रॉबल आईसी बैक iOS। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो आ चुका है, ओके, जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया इमेज व्यू। एंड इसको अभी मैं सबसे पहले तो इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। अभी मैं इस रिलेटिव लेआउट के नीचे आ जाता हूँ क्योंकि हमारा इमेज व्यू का कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। एंड जो हमने रिलेटिव लेआउट है इसमें ऑन क्लिक यूज किए थे, यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी बल्ब होता है इस पर क्लिक करना होगा, शो कॉन्टैक्ट्स। एंड ये जो दिख रहा है क्रिएट साइन अप इन रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक करना होगा, ओके। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि हमने ये साइन अप जो है ये क्यों क्रिएट किया, मीन्स ऑन क्लिक यहाँ पे क्यों इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो देखो, अगर कोई साइन अप पेज पे आता है, अगर उसको बैक जाना है साइन इन पेज पे, तो हमने ये जो दिखाई दे रहा है आपको बैक का ऑप्शन, इसलिए हमने यहाँ पे बैक का ऑप्शन इम्प्लीमेंट कर दिया एंड यहाँ पे हमने ऑन क्लिक यूज किया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इंटेंट पास कर देंगे, जो दिख रहा है आपको पब्लिक वर्ड साइन अप, यहाँ पे हम इन फ्यूचर इंटेंट पास करेंगे जो कि चले जाएगा साइन इन पेज में। तो अभी हम क्या करते हैं, रिलेटिव लेआउट के नीचे आ जाते हैं। तो मैं आ जाता हूँ रिलेटिव लेआउट के नीचे एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे स्क्रोल व्यू। एंड इसकी विड्थ एंड हाइट हम दे देंगे मैच पेरेंट रैप कंटेंट। एंड इस स्क्रोल व्यू को आपको सबसे पहले तो क्लोज करना होगा एंड इस स्क्रोल व्यू में आपको यूज करना होगा लीनियर लेआउट।
एंड इसकी विड्थ हम दे देंगे लीनियर लेआउट की मैच पेरेंट, एंड हाइट आपको दे देनी है रैप कंटेंट। मैं ओरिएंटेशन भी इसकी डिफाइन कर देता हूँ, ओरिएंटेशन वर्टिकल, एंड इस लीनियर लेआउट को आपको क्लोज करना होगा। तो आप देख सकते हैं हमने पहले सबसे पहले स्क्रॉल व्यू यूज़ किए, इसमें हमने लीनियर लेआउट यूज़ किए, अभी हम टेक्स्ट व्यू इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू को, टेक्स्ट व्यू इसकी वाइट दे देंगे रैप कंटेंट, एंड हाइट दे देंगे रैप कंटेंट, एंड मार्जिन स्टार्ट आपको देना होगा 10 dp, एंड सेम मार्जिन टॉप, क्योंकि ये जो एरो है इसके मार्जिन टॉप भी चाहिए ना, तो इसलिए मार्जिन टॉप हम दे देंगे 10 dp। एंड टेक्स्ट आपको डिफाइन करना होगा साइन, आपको यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड कर देना है साइन अप, इसके बाद अगेन आपको एंटर करना है। हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी प्रोवाइड कर देंगे, टेक्स्ट कलर हम दे देंगे @ टेक्स्ट कलर, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कलर में टेक्स्ट डिफाइन किए थे वही टेक्स्ट कलर को हमने यूज़ कर दिया। इसके बाद हमें यूज़ करना होगा टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज आपको यूज़ करना होगा 40 sp। अगेन हम एंटर करेंगे एंड टेक्स्ट स्टाइल अच्छे से दिखने के लिए हम कर देंगे बोल्ड। तो आप देख सकते हो अभी अच्छे से साइन अप जो भी हमारा टेक्स्ट है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी हमारा कम्प्लीटली टेक्स्ट व्यू का तो वर्क हो चुका है, इसलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड लीनियर लेआउट जो है इसके नीचे आ जाएंगे हम। तो अभी हमें यूज़ करना होगा कार्ड व्यू, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़ किए थे, जैसे हमने ईमेल पासवर्ड यूज़ किए थे, सेम हमें क्या करना होगा एक्टिविटी रजिस्टर में फुल नेम पासवर्ड एंड जो मेल फीमेल का जो ऑप्शन होता है रेडियो बटन का वो सिलेक्ट करना होगा। एंड जैसे हमने यहाँ पे बटन क्रिएट किए थे लॉगिन के नेम से, यहाँ पे रजिस्टर के नेम से बटन आ जाएगी। ओके, तो चलिए जल्दी से हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर लेआउट के नीचे आ जाना है आपको, सॉरी आपको लीनियर लेआउट के नीचे नहीं आना है क्योंकि हमें लीनियर लेआउट के अंदर ही इसको क्रिएट करना है। तो मैं क्रिएट करता हूँ जल्दी से, कार्ड व्यू को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से मैं, एंड कार्ड व्यू आपको ध्यान में रखना है कौन सा सिलेक्ट करना है, जो हमने डिपेंडेंसी पेस्ट की थी वही कार्ड व्यू आपको सिलेक्ट करना है। विड्थ हम दे देंगे मैच पेरेंट, हाइट हम दे देंगे रैप कंटेंट, स्टाइल आपको सिलेक्ट करनी होगी जो हमने प्रोवाइड की, स्टाइल विजिट कार्ड व्यू। ओके, ये होने के बाद आपको मार्जिन हॉरिजॉन्टल भी सिलेक्ट करनी है, हमें प्रोवाइड करना होगा 10 dp मार्जिन हॉरिजॉन्टल, एंड टॉप भी यूज़ करना होगा मार्जिन टॉप, तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 10 dp, एंड सेव टाइप आपको यूज़ करना होगा प्रेस। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जो भी कार्ड व्यू है, इसमें आपको यूज़ करना होगा एडिट टेक्स्ट, जो कि विड्थ रहेंगे मैच पेरेंट, एंड हाइट रहेगी रैप कंटेंट। तो मैं सबसे पहले एडिट टेक्स्ट की आईडी भी डिफाइन कर देता हूँ, id@id फुल नेम, जैसे हमने वहाँ पे ईमेल के नेम से इम्प्लीमेंट की थी, सेम यहाँ पे हमने क्या किया है फुल नेम के नेम से आईडी इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके बाद आपको हिंट भी प्रोवाइड करनी होगी, तो हिंट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, सेम फुल नेम, अगेन आपको एंटर करना है, तो मैं इनपुट टाइप अभी सिलेक्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। तो देखो आप कोई भी टेक्स्ट भी ले सकते हो, तो मैं इसको टेक्स्ट ईमेल एड्रेस नहीं सिर्फ टेक्स्ट ले लेता हूँ इनपुट टाइप, ठीक है। अगर कोई यूज़र आएगा तो उसको टेक्स्ट ऑलरेडी देखना चाहिए उसको एज अ कीबोर्ड में। इसके बाद हमें पैडिंग यूज़ करना होगा, पैडिंग आपको कितना देना होगा 15 dp, एंड इसको क्लोज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल नेम इम्प्लीमेंट हमने कर दिया, ठीक है। तो जैसे हमने फुल नेम को इम्प्लीमेंट किया है, सेम हमें यूज़ करना होगा ईमेल के लिए। तो ईमेल के लिए यूज़ करने के लिए सेम हम कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो स्टाइल आपको सेम रखनी है ईमेल में, इसके बाद आपको विड्थ एंड हाइट मैच पर रैप कंटेंट लेनी है, एंड हॉरिजॉन्टल भी आपको 10 dp ही यूज़ करनी है,
बट ये जो मार्जिन टॉप है इसको आपको थोड़ा डिफरेंट सिलेक्ट करना होगा। मार्जिन टॉप हमने यहाँ से 10 dp किया था बट यहाँ से 8 dp ही सिलेक्ट करना है। ओके एंड शेप टाइप हम सेम प्रेस ही यूज करेंगे। एंड यहाँ पे जो फुल नेम हमने एडिट टेक्स्ट यूज किया था आईडी इसकी, तो इसकी हम आईडी दे देंगे ईमेल के नेम से, ठीक है। एंड आपको सेम यहाँ पे हाइट एंड विड्थ मैच करेंट रैप कंटेंट ही दे देना है, बट हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट नहीं किया, तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना होगा आपको। बैकग्राउंड @ इसके बाद आपको हिंट में आ जाना है। एंड हिंट में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हिंट में हम प्रोवाइड करेंगे ईमेल। इसके बाद आपको इनपुट टाइप में क्या प्रोवाइड करेंगे हम, टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, क्योंकि उसको कीबोर्ड में क्या दिखना चाहिए, ईमेल एड्रेस का पैटर्न दिखना चाहिए, इसलिए हमने इनपुट टाइप ले लिया टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। पैडिंग दे देंगे हम 15 dp। तो आई होप अभी आपको इसका भी समझ में आओगा ईमेल का भी। बट यहाँ पे मिस्टेक हो रही है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली शो नहीं हो रहा है, ईमेल के नीचे वो शो होना चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्क्रॉल करके देखेंगे हम क्या मिस्टेक की है यहाँ पे हमने। तो लीनियर लेआउट ओरिएंटेशन वर्टिकल सिलेक्ट किए थे, टेक्स्ट व्यू हमने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है एंड कार्ड व्यू सेम। हाँ ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे हमने इस कार्ड व्यू को अच्छे से क्लोज नहीं किया है। तो हम इस कार्ड व्यू को कंट्रोल एक्स करेंगे, यानी ये जो एडिट टेक्स्ट है इसके नीचे इस कार्ड व्यू को पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से फुल नेम शो रहा है, सेम आपको यहाँ पे भी इसको अच्छे से क्लोज करना होगा। तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ एडिट टेक्स्ट के नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से ईमेल भी शो हो रहा है। अभी ईमेल का तो वर्क कम्प्लीटली हो चुका है, सेम हमें अभी पासवर्ड के लिए यूज करना होगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वही, तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अभी आपको सेम आपको जो स्टाइल है सेम रखनी है एंड विड्थ एंड हेड भी मैच पैरेंट रैप कंटेंट रखनी है एंड हॉरिजॉन्टल 10 dp मार्जिन टॉप सेम आपको, इसको तो कोई भी चेंजेस नहीं करना है। बट यहाँ पे हमें यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी, तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। बट यहाँ पे आईडी हमें चेंज करनी होगी, तो आईडी में यहाँ पे दे देता हूँ पासवर्ड। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे पासवर्ड @ID पासवर्ड। ओके एंड विड्थ हमें मैच पैरेंट एंड रैप कंटेंट ही रखनी है। यहाँ से बैकग्राउंड आपको कलर ट्रांसपेरेंट सेम रखना है एंड हिंट आपको चेंज करनी है पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हिंट तो प्रोवाइड कर दिए। ओके इसके बाद इनपुट टाइप आपको टेक्स्ट ईमेल एड्रेस नहीं लेना है, तो टेक्स्ट पासवर्ड लेना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट पासवर्ड एंड इसके बाद पैडिंग तो आपकी सेम ही रहेगी। बट यहाँ पे एक ट्रबल राइट के नेम से यहाँ पे जो आईजी विजिबिलिटी होती है मीन्स हाइट एंड अनहाइट का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे एक इमेज शो होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉबल राइट के नेम से यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो ड्रॉबल राइट @ड्रॉबल आईसी विजिबिलिटी ऑफ लाइट, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जो कॉपी किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में कॉपी किए थे यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, आईसी विजिबिलिटी ऑफ एंड आईसी विजिबिलिटी को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एंड ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इसको हम न्यू क्रिएट करेंगे, तो डिलीट एनीवन क्लिक कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, ड्रॉबल में चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम कलर को कॉपी कर लेंगे, ये जो टेक्स्ट कलर होता है। तो इसको कॉपी करने के लिए आपको जाना होगा color.xml में। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, इसको कॉपी कर देता हूँ, ड्रॉबल में चला जाता हूँ, न्यू एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ड्रॉबल वेक्टर असेट जो दिखाई दे रहा है आपको इस यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड जो फ्लिपकार्ट का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आपको सर्च करना होगा आईसी विजिबिलिटी।
यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ सर्च करेंगे विजिबिलिटी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिबिलिटी शो रही है। एंड इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, तो कलर हमने जो कॉपी किया था उसी को इम्प्लीमेंट करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है आई सी विजिबिलिटी। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिनिश पे क्लिक करना है। सेम हम क्या करेंगे, ऑफ के लिए क्रिएट करेंगे न्यू वेक्टर असेट, क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है विजिबिलिटी एंड ऑफ को क्लिक करना है, ओके एंड कलर को सेम रखना है, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो अभी हम चले जाते हैं एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एग्जामिन में, एंड यहाँ से ये जो ऑफ है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे आईसी बेसलाइन ऑफ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अभी ये जो हमारा इमेज था वो शो हो रहा है। सेम हमें एक्टिविटी लॉगिन डॉट एग्जामिन में भी करेक्शन करना होगा, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पासवर्ड की इसमें, एंड यहाँ पे जो एरर शो हो रहा है इसको भी आपको रिजॉल्व करना होगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा आईसी विजिबिलिटी ऑफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अच्छी चीज शो हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एग्जामिन पे आ जाते हैं एंड इसके ड्रॉबल के नीचे आ जाएंगे अभी हम। तो लॉन्ग क्लिकेबल आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी पासवर्ड कॉपी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको फॉल्स कर देंगे, ओके। बट ये जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी लॉगिन डॉट एग्जामिन है, यहाँ पे हमने एडिट टेक्स्ट कौन सा यूज किए थे, इनपुट एडिट टेक्स्ट। तो सेम आपको एक्टिविटी रजिस्टर डॉट एग्जामिन में भी इसको सिलेक्ट करना होगा, टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, इसी को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी पासवर्ड अभी शो हो रहा है। अभी हमारा फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड का तो हो चुका है, अभी मैं इसके नीचे आ जाता हूँ। अभी हमें रेडियो बटन क्रिएट करना होगा मेल एंड फीमेल के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम कार्ड व्यू क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है कार्ड व्यू, एंड ये जो थर्ड में कार्ड व्यू है इसको आपको सिलेक्ट करना होगा, एंड इसके बाद आपको विड्थ सिलेक्ट कर लेने हैं मैच पैरेंट, एंड हाइट आपको सिलेक्ट कर लेने हैं रैप कंटेंट। इसके बाद आपको लेआउट मार्जिन हॉरिजेंटल सिलेक्ट करनी है 10 dp, अगेन आपको एंटर करना है, एंड यहाँ से आपको मार्जिन टॉप सिलेक्ट करनी होगी, मार्जिन टॉप हम दे देंगे 8 dp, ओके अगेन हम एंटर करेंगे, एंड जैसे ऊपर में हम शेप टाइप दे देते हैं, शेप टाइप हम सिलेक्ट कर लेंगे प्रेस, अगेन इस कार्ड व्यू को आपको क्लोज करना होगा क्योंकि हमें यहाँ पे एक रेडियो ग्रुप क्रिएट करना होगा। तो मैं सबसे पहले तो इसको आईडी डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी इसको हम सबसे पहले स्टाइल डिफाइन कर देंगे। तो स्टाइल हमें कौन सा स्टाइल यूज करना होता है, कार्ड व्यू का एट द रेट विजिट कार्ड व्यू, ओके। तो ये तो हुआ कार्ड व्यू के बारे में, अभी हम एक रेडियो ग्रुप क्रिएट करेंगे इस कार्ड व्यू के अंदर, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ रेडियो ग्रुप। इसकी विड्थ एंड हाइट दे देंगे मैच पैरेंट रैप कंटेंट, एंड रेडियो ग्रुप की मैं आईडी डिफाइन कर देता हूँ आईडी एट द रेट आईडी रजिस्टर रेडियो ग्रुप एंड लेआउट ग्रेविटी आपको दे देनी है सेंटर, ये होने के बाद आपको एंटर करना है, एंड सेम आपको ग्रेविटी प्रोवाइड करनी है सेंटर हॉरिजॉन्टल, एंड ओरिएंटेशन आपको प्रोवाइड करना है वर्टिकल, सॉरी आपको ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करनी है। ओरिएंटेशन हम क्यों हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो मेल एंड फीमेल होता है इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होती है, ओके। एंड हम प्रोवाइड कर देंगे पैडिंग, पैडिंग कितना डीपी, तो 5 dp हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद अगेन आपको एंटर करना है, एंड इसकी वेट भी डिफाइन करनी होगी आपको, तो वेट आपको डिफाइन करनी है 3, एंड इस रेडियो ग्रुप को आपको क्लोज करना होगा अभी, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एंड इसके अंदर आपको रेडियो बटन क्रिएट करना होगा 2, तो रेडियो बटन आपको किसकी, मेल एंड फीमेल की, तो एक रेडियो बटन मैं सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ रेडियो बटन, एंड विड्थ आपको दे देनी है इसके रैप कंटेंट, एंड इसकी हाइट डिपेंड करनी है रैप कंटेंट,
सेम आपको अगेन एंटर करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से अभी शो हो रहा है। तो लेआउट वेट हम डिफाइन कर देंगे, जैसे कि लेआउट वेट हमने ऊपर में डिफाइन किए थे सेम आपको यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे वेट सर्च कर देता हूँ, यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है 1 एंड अगर कोई क्लिक करता है तो ट्रू कर देता हूँ मैं, चेक ट्रू। एंड ग्रेविटी ये सेंटर में रहना चाहिए इसलिए हम ग्रेविटी कर देंगे सेंटर। इसके बाद अगेन एंटर करना है एंड टेक्स्ट में आपको क्या प्रोवाइड करना है, मेल के नेम से अगेन हम एंटर करेंगे एंड आपको प्रोवाइड करना भी कलर, क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी तो चाहिए। जैसे कि वहाँ पे मेल तो शो हो रहा है पर कलर अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो अभी अच्छे से शो हो रहा है @ टेक्स्ट कलर हमने प्रोवाइड कर दिए। इसके बाद हम प्रोवाइड कर देंगे इसका टेक्स्ट साइज का थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, तो टेक्स्ट साइज हम प्रोवाइड करेंगे 14 dpi। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रेडियो बटन तो क्रिएट कर दिए, बट किसके लिए, ये था मेल के लिए। अभी हम प्रोवाइड कर देंगे फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए सेम हमें रेडियो बटन यूज करना होगा। तो मैं इसको जैसे के वैसे कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ Ctrl+V। ओके एंड इसकी विड्थ हमें सेम रखनी है, रैप कंटेंट वेट भी हम सेम प्रोवाइड करेंगे, बस मेल की जगह हम प्रोवाइड कर देंगे फीमेल। अभी मैं दोनों को भी ID डिफाइन कर देता हूँ सबसे पहले, तो इसको मैं ID प्रोवाइड कर देता हूँ @ID register individual या फिर register, इसको हम प्रोवाइड कर देंगे मेल। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ ID को एंड यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ register female। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने register male एंड register female के लिए क्रिएट कर दिए। अभी हमें क्या क्रिएट करना होगा, एक बटन क्रिएट करना होगा यहाँ पे साइन अप के नेम से। ओके तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस कार्ड व्यू के नीचे आना होगा, लीनियर लेआउट के अंदर एंड कार्ड व्यू के बाहर। तो यहाँ पे सेम आपको क्या करना होगा, कार्ड बटन सिलेक्ट करना होगा, जैसे हमने activity login.xml में क्रिएट किए थे। तो बस यहाँ पे लॉगिन था, यहाँ पे रजिस्टर रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ कार्ड व्यू बटन सिलेक्ट करेंगे हम। एंड बटन आपको नॉर्मल सिलेक्ट नहीं करनी है, तो जो हमने डिपेंडेंसी यूज की थी उसी बटन को आपको क्रिएट करना है। ओके जो आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लू कलर में वही आपको सिलेक्ट करनी है। विड्थ आपको दे देनी है 300 dpi एंड हाइट आपको प्रोवाइड करनी होगी रैप कंटेंट। एंड इसके बाद हम ID भी डिफाइन कर देते हैं जो कि बटन की रहेगी, ID@ID register button। ओके तो B में कैपिटल कर देता हूँ। ये होने के बाद आपको स्टाइल भी डिफाइन करनी होगी स्टाइल, तो यहाँ पे हमने बटन यूज किया इसलिए visit.button। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन तो आ चुके हैं बट ये सेंटर में नहीं है, तो लेआउट ग्रेविटी हम प्रोवाइड कर देंगे। आपको लेआउट ग्रेविटी सेंटर पास कर देना है, ओके सॉरी सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ चुकी है। तो अभी मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ, ऊपर से कितना टॉप में रहना चाहिए, तो मिनिमम 10 dpi कर देते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे टेक्स्ट शो नहीं हो रहा इसलिए, तो टेक्स्ट हम क्या प्रोवाइड कर देंगे साइन अप के नेम से। ये होने के बाद अगेन आपको एंटर करना है एंड जो भी हमारे कैपिटल लेटर रहेंगे उसको फॉल्स कर देंगे। ये होने के बाद आपको टेक्स्ट कलर डिफाइन करना है क्योंकि अच्छे से कलर शो नहीं हो रहा है। ओके तो कलर हमने डिफाइन कर दिया है, यहाँ से आपको साइज को भी थोड़ा इंक्रीज करना होगा, तो मैंने यहाँ पे साइज को भी इंक्रीज कर दिया 16 sp। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। मैं फाइनली शेप टाइप भी प्रोवाइड कर देता हूँ फ्लैट, आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, तो मैं इसको रहने देता हूँ। तो अभी हमारा अच्छे से बटन भी इम्प्लीमेंट हो चुका है, अभी हमारा फाइनली वर्क बाकी है 2 text view का, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कोई क्लिक करता है यहाँ पे साइन अप पे तो चला जाएगा साइन अप पे, बट यहाँ पे सेम एक्टिविटी रजिस्टर के नीचे हमें साइन इन का भी क्रिएट करना होगा, तो इसलिए मैं 2 text view ले लेता हूँ। तो activity register.xml में आ जाना है आपको एंड इसके अंदर आपको लीनियर लेआउट क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ लीनियर लेआउट
एंड इसकी विड्थ रख देंगे हम मैच पैरेंट एंड हाइट प्रोवाइड कर देंगे रैप कंटेंट। इसके बाद आपको मार्जिन टॉप भी देनी होगी, लेआउट मार्जिन टॉप 20 dB। सेम आपको ग्रेविटी प्रोवाइड करनी है, तो ग्रेविटी हम क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंटर। ये होने के बाद आपको ओरिएंटेशन सिलेक्ट करना है, तो ओरिएंटेशन हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल। ओरिएंटेशन इसलिए हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का, एंड इसके बाजू में साइन इन का बटन के लिए एक टेक्स्ट व्यू रहेगा, इसलिए हमारे दो टेक्स्ट व्यू रहेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल में रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद इस लिनियर लेआउट को भी क्लोज करना होगा आपको, एंड दो टेक्स्ट व्यू को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू। विड्थ आपको प्रोवाइड करना होगा रैप कंटेंट, एंड हाइट भी आपको प्रोवाइड करना होगा रैप कंटेंट। ये होने के बाद आपको टेक्स्ट भी प्रोवाइड करना होगा। इस टेक्स्ट में क्या प्रोवाइड करेंगे हम, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। एंड यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क को प्रोवाइड कर देंगे। ओके, होने के बाद अगेन आपको एंटर करना होगा, एंड यहाँ से आपको प्रोवाइड करना होगा टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर में आपको सेम एट द रेट टेक्स्ट कलर। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है। सेम आपको साइन इन के लिए क्रिएट करना होगा, तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। जैसे इसको पेस्ट करेंगे तो इसके बाजू में सेम यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो विड्थ एंड हाइट तो हम रैप कंटेंट रखेंगे, बस टेक्स्ट को हम करेंगे साइन इन। एंड टेक्स्ट कलर भी आपको सेम प्रोवाइड करनी है। मैं सबसे पहले तो इसको आईडी डिफाइन कर देता हूँ। आईडी इसलिए डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि अगर कोई साइन इन पे क्लिक करेगा तो साइन इन के पेज में रिडायरेक्ट होना चाहिए, इसलिए आईडी डिफाइन करना जरूरी है। तो आईडी @ID क्रिएट टेक्स्ट। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे ए दे देता हूँ एंड यहाँ पे ई दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमने यहाँ पे नेम दे दिया क्रिएट टेक्स्ट के नेम से। तो अगर कोई साइन इन पे क्लिक करेगा तो वो चला जाएगा साइन इन के पेज में। ओके, एंड अगर कोई साइन अप पे क्लिक करेगा तो साइन अप के पेज में चला जाएगा। तो अभी हमारा कम्प्लीटली जो भी फ्रंट एंड का वर्क था साइन अप पेज का, वो कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि रजिस्टर का जावा का पेज हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।